नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं चिवड़ा की नमकीन की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में वो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए सामग्री देख लेते हैं कि क्या क्या लगती है। नारियल, नारियल को हमने इस तरीके से कट कर लिया लंबे लंबे पीसेस में। जीरा, मूंगफली के दाने, और ये कड़ी पत्ता, अमचूर पाउडर, हल्दी, नमक स्वाद के अनुसार, किशमिश, और ये बादाम। बादाम को हमने इस तरीके से बीच से कट कर लिए हैं। आप चाहे तो अपने हिसाब से पूरा भी मतलब सेंधा भी आप डाल सकते हैं, लेकिन हमने इस तरीके से कर लिए हैं। काजू, काजू को भी दो टुकड़ों में कर लिया है बीच से लंबा लंबा। चलिए चलते हैं आगे की प्रोसेस में। 250 ग्राम पोहा, इसको हमने छान लिया है और इसके कचरे बिल्ली की देखिए, ये पेपर पोहा कहते हैं इसको। गैस पे हमने कढ़ाई रख दी है और थोड़ा सा तेल डाल दिया है। गैस को ऑन कर देंगे तेज फ्लेम में और तेल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया, इसमें डाल देंगे पोहा और इसे अच्छे से भून लेंगे। गैस को मध्यम कर दिए हैं, मध्यम गैस पे इसको तलेंगे, नहीं तो ये बहुत जल्दी जल जाता है, तो इसलिए हम इसको मध्यम गैस पे ही तल रहे हैं। ये पोहा हमारा अच्छी तरीके से भून चुका है, भुरभुरा भी हो गया है। ये देखिए आपको आवाज आ रही होगी किस तरीके से हो रहा है ये। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं बर्तन में और गैस को बंद कर देंगे। इसमें तेल डाल दिया है और थोड़ी देर तेल को गर्म हो जाने देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, हमें इतना ही तेल गर्म चाहिए। ये मैं आपको दिखाना भूल गई थी सामान के साथ, तो ये है हमारे पास। और एक कलर का और है, ये आसानी से कोई भी दुकान पे मिल जाता है, किराना स्टोर पे। वैसे तो हम लोग इसको सुपर बाजार से ही लाते हैं। ये मकाई का इसको पापड़ बोलते हैं, तो कोई भी स्टोर में दे देते हैं। अब हम इनको तलेंगे। ये देखिए फूल करके ऐसे हो जाता है ये बड़ा बड़ा सा। ये चूड़े की नमकीन में बहुत अच्छा लगता है, पोहे की नमकीन में डालो तो। निकाल लेंगे इस तरीके से, ये देखिए पूरा तल गया है, ऐसे हो गया है कुरकुरा सा। अब हम इसी तेल में डाल देंगे ये पीले कलर का, इसको भी मकाई का पापड़ बोलते हैं। ये देखिए ये हमने दोनों तरह के तले थे, सफेद वाला और ये पीला वाला, दोनों को एक ही थाली में निकाल लिया है हमने। इसको रख देंगे साइड में। अब हम इसमें डाल देंगे मूंगफली। गैस धीमे है, इसमें डाल देंगे मूंगफली, तेज नहीं है, धीमी गैस पे ही हम इसे मूंगफली को तल लेंगे। ये देखिए कैसे चटक गई है, इसका मतलब पूरी अच्छे से तल गई है मूंगफली। और हम गैस को बंद कर देंगे और इसे निकाल देंगे एक प्लेट में। अब हम गैस को फिर से चालू कर देंगे और गैस को धीरे कर देंगे, बिल्कुल बहुत धीरे करेंगे। अब इसमें डाल देंगे काजू, इसको भी तल लेंगे, थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट कर लेंगे इसको भी, ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा ही करना है इसको। ये देखिए थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो गया है। अब इसे निकाल लेंगे फटाक से। अब यहीं पर डाल देंगे बादाम, देखिए तेल इसमें ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, बहुत ही वो चाहिए ताकि अच्छे से आराम से तल जाए, नहीं तो ज़्यादा गर्म तेल जल जाते हैं बहुत जल्दी। ये बादाम भी हमारे तल गए हैं, ये देखिए कलर भी अलग से चेंज हो गया है, ज़्यादा नहीं तलना है। अब हम इनके भी निकाल देंगे एक प्लेट में। अब डाल देंगे किशमिश, अब इसे निकाल लेंगे जल्दी से, नहीं तो फिर जल्दी जल्दी भी जाती है, बहुत जल्दी जल्दी है। देखिए किस तरीके से फूल गई है। कढ़ाई का हमने जो तेल बचा हुआ था वो निकाल लिया है। अब हम गैस को ऑन कर देंगे, हमको इतना तेल चाहिए था, ज़्यादा तेल नहीं चाहिए था, इसलिए हमने उसको निकाल कर रख लिया है। और इस तेल को थोड़ा सा गर्म हो जाने देंगे। तेल गर्म हो गया है, इसमें डाल देंगे हरी मिर्ची, हमने 3 हरी मिर्ची ली है, इस तरीके से लंबे लंबे कट कर लिया है। और जीरा डाल देंगे, और डाल देंगे कड़ी पत्ता, इसको हमने धोकर के अच्छे से रख लिया है निकाल करके। और डाल देंगे नारियल, नारियल को हमने पहले नहीं भूना था इसलिए टाइम पे डाल रहे हैं। अब डाल देंगे हल्दी पाउडर, नमक, नमक स्वाद के अनुसार, और इनको इस तरीके से मिला लेंगे। और अमचूर पाउडर, आप चाहे तो इसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं, 1 चम्मच खट्टी की बना सकते हैं, लेकिन मैं शुगर नहीं डाल रही हूँ। इनको इस तरीके से मिला लेंगे। और अब हम डाल देंगे इसमें ये जो हमने कल करके रखा था,
और यहीं पे डाल देंगे पोहा। और इन सबको इस तरीके से मिला लेंगे, गैस पे मत्ती रखी हूँ, तेज नहीं है, अच्छे से मिला लेंगे ताकि पूरे में अच्छे से कोटिंग हो जाए इसमें। आप चाहे तो इसमें लाल मिर्ची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और हरी मिर्च की क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन हमने चीनी डाली है क्योंकि हमें ज़्यादा तीखा नहीं चाहिए। आप तीखा अपने हिसाब से कर सकते हैं कम ज़्यादा। सारा मसाला इसमें मिल चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे किशमिश, बादाम और काजू, इन सबको भी अच्छे से मिला लेंगे। डाल देंगे मूंगफली के दाने, हमने तब करके रखा था, इन सबको इस तरीके से मिक्स कर देंगे। जिनके बच्चे अकेले रहते हैं, बाहर रहते हैं, उनकी मम्मियाँ ऐसे इस तरीके से बना कर उन्हें दे सकती हैं ताकि वो आराम से खा सके। ये हमारी चूड़ा की नमकीन बन करके तैयार है, बनाने में बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में छोटी सी घंटी है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले।